नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर टू एसएसटी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हिस्ट्री का है, नाम क्या है? जनजातियाँ, जिसके अंतर्गत अहोम जनजाति और गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं दो जनजातियों से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। इनमें से आपका कौन सा सही है, आपको बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया है, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथ करों यानी कि रथ निर्माताओं का स्थिति पर विचार किया गया है? कौन सा यहाँ पर शिलालेख है? ठीक है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही मैं आपको बताता हूँ जो महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या थे, 70,000 गाँव थे आपके? ऐसी कौन सी किताब है या ग्रंथ है जिसमें गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य में 70,000 गांवों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, अकबरनामा ग्रंथ है। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें इस टॉपिक में बता दूंगा, क्योंकि टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, गोंड जनजातियाँ आज के समय में भारत के यानी कि आज के समय में भारत के कौन से राज्यों में ये फैली हुई हैं, आपसे इस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने ये रहे, तो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा दिए। आगे का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कथन वाला क्या क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया या कठिन हो गया? तो यहाँ पर सरल नहीं हुआ था, जटिल हो गया था। ये पहला वाला गलत यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको टॉपिक में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे ढंग से केवल और केवल सुन लिया तो आपका यहाँ पर कल्याण होने वाला है, यानी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो असमान वर्गों में विभाजित नहीं था क्या, ये था? बिल्कुल दोस्तों था। गरीब का भी यहाँ पर, गरीब अमीर का फर्क आपको सामने दिखाई पड़ने लगा था, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर चार आपके दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही वाला विकल्प चुनकर बताना था। यहाँ पर क्या है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में ABC विचार पर आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको दिखाई दिए हैं, अब मैं यहाँ पर क्या बात करूँगा, इसकी कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। अहोम साम्राज्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, असम में दोस्तों पाई के क्या थे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी बिल्कुल आसान शब्दों में। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है, गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य या राज्य के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल यहाँ पर राइट है? तो गढ़कटंगा यानी कि गोंड साम्राज्य से बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मिलान वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पर आ चुका है, जिसका नाम है जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस टॉपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध
समाज ज़्यादा जटिल हो गया। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी लाइन से उठाकर डायरेक्ट पूछा गया है। कहने का तात्पर्य है, 12वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, उस दौरान भारत में क्या हुआ था? भारत में उस दौरान दोस्तों जो समाज था, जो आपके वर्ण हुआ करते थे, उनका विभाजन पहले से ही था। यानी कि चार वर्ण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये चार वर्ण होते हैं। वो आपका समाज पहले से ही विभाजित था। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा विभाजित कर दिया गया था। और जितने भी बड़े बड़े राज्य थे, उन राज्यों के जो राजाओं थे, राजाओं ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, विभाजन को स्वीकार कर लिया था। विभाजन को स्वीकार करने के कारण क्या परिणाम हुआ? परिणाम सामने निकल कर आया, जो व्यक्ति ऊंचा है या नीचा है, उनका क्या हो गया? उनको सामने दिखाई पड़ने लगा कौन व्यक्ति अमीर है, कौन गरीब है। यानी कि इनका फासला बढ़ा, ठीक है, जिस कारण दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल यानी कि ज़्यादा कठिन हो गया। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है, कथन वाला, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। क्या दोस्तों सरल हो गया था, सिंपल हो गया था? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया है, स्टेटमेंट में बताया गया है, जटिल हो गया था। जटिल दोस्तों किस कारण से हो गया था? लोगों में अमीर, गरीब, रईस जैसे क्या हो गए थे, फासला आपका बढ़ने लगा था, सामाजिक अंतर उभरने लगे थे, सामाजिक स्थिति उनके सामने आने लगी थी, जिस कारण समाज कैसा हो गया था, जटिल हो गया था, कठिन हो गया था। यहाँ पर आपका सरल दे दिया गया है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा हुआ, गलत हो गया। दूसरा क्या है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। बिल्कुल करेक्ट बात यहाँ पर कही गई है, असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ओनली बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए गलत है किंतु बी सही है। सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, जो दोस्तों जनजातीय समाज थे उपमहाद्वीप के उस उन वर्षों के दौरान में, समाज में जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो सामाजिक नियम थे और कर्मकांड थे, ये जनजातीय लोग उनको नहीं मानते थे, ब्राह्मण पद्धति को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। तो ये आपका स्टेटमेंट रहा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में ही बताया। क्या मैंने आपको बताया, कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। बिल्कुल यही स्टेटमेंट उठाकर एग्जामिनर ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपने इतना यहाँ तक समझ लिया होगा, जो जनजातीय लोग थे ये क्या करते थे, ये दोस्तों इनके नातेदारी से संबंध भी स्थापित थे, कई जनजातियों से इनके जुड़ाव भी थे, और ये अपना पेट जो चलाते थे उसके लिए इनको क्या करना पड़ता था, शिकार भी करते थे, संग्राहक यानी कि कंदमूल फल को भी इकट्ठा किया करते थे, उसी के साथ ये क्या करते थे, पशुपालक भी थे, यानी कि पशुओं को भी ये पालते थे। प्रायः भी अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे, ठीक है। जनजातियाँ खाना बदोश भी थी। खाना बदोश अगर आपसे पूछा जाए आखिर खाना बदोश होता क्या है, खाना बदोश का मतलब होता है खाने के लिए किसी भी जनजाति को एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, यानी कि स्थान बदल दो, वही होता है खाना बदोश। वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी, वही आपकी क्या है, खाना बदोश जनजाति है। जहाँ पर इनको क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, चारा मिल जाए, ठीक है, वहीं पर ये रहने लगते थे। ओके, अब आगे यहाँ पर क्या बात करेंगे, महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में बात करेंगे। जनजातीय लोग कौन थे, जनजातीय लोग दोस्तों कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। एक चीज अपने दिमाग में आप बिठा लेना, यहाँ से पेडागोजी का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पेडागोजी का क्वेश्चन, ठीक है, जनजातीय समूह से संबंधित। ओके,
जो जनजातीय समूह है ये दस्तावेज नहीं रखते थे। पहली लाइन आप नोट कर लो, जनजातीय लोग दस्तावेज नहीं रखते थे, डॉक्यूमेंट नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक यानी कि मुख से जो बोलते थे उन्हीं जो परंपराओं को क्या करते थे, वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जनजातीय जो लोग हैं उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे, मैं इससे पहले क्या करता था अब क्या करूँगा, यानी कि जनजातियों के पास कोई भी क्या नहीं थे, दस्तावेज ये लोग रखते ही नहीं थे, बल्कि इनका जो इतिहासकार है इनको कैसे लिखते हैं, इनको लिखते हैं रीति रिवाज, जो इनकी परंपराएं हैं या जो मौखिक वाचिक करते हैं, ये जो मुख से बोलते हैं, इनकी पीढ़ी है यानी कि इनके जो बच्चे वो सुनते रहते हैं उनको, फिर ऐसे ही आपका इनका जो है क्रम वो चलता रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मौखिक या वाचिक परंपराओं का वो संरक्षण करते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार इन जनजातियों का इतिहास लिखते हैं। चलिए आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, ठीक है। आगे कई जनजातियों ने अपने निवास स्थान भी बना लिए थे, जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब में खोगर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 13वीं और 14वीं सदी के दौरान कौन सी जनजाति अधिक प्रभावशाली थी, तो पंजाब की गोखर खोखर जनजाति, कौन सी, खोखर जनजाति। मिलान वाला भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो पंजाब का मिलान करना किसके साथ था, खोखर जनजाति के साथ मिलान करना था, ठीक है। और उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, शायद क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ये आपका यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जिसमें क्या दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपके जो क्या है दोस्तों, आपके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पर ये पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक है, यहीं पर लंगाह जनजाति, जंजुहा जनजाति, गखर जनजाति, जो कि ये पहले आपके पाकिस्तान मतलब कि वर्तमान में पाकिस्तान वाले इलाकों में पहुंच गए हैं, परंतु कुछ हिस्से भारत में भी हैं, ठीक है। तो ये आपका चित्र है। भील जनजाति आपसे पूछे तो राजस्थान में, कोली आपकी गुजरात में, जाटवास भी आपकी गुजरात में, ठीक है। तो ये गोंडवाना में आपकी गोंड जनजाति, ठीक है, रहती है। खोंड, कोयास जनजाति, बोराद जनजाति, ये सभी जनजातियों के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। शक्तिशाली जनजाति एक और थी आपकी बलोच, ठीक है। ये लोग अलग अलग मुखियों को कई छोटे छोटे क्या करते थे, कुलों में बांट दिया करते थे। बलोच जनजाति से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिनके छोटे छोटे कुलों में इनको बांट दिया जाता था। पश्चिमी हिमालय में गड्डी यानी कि गदही, जो यानी कि गडरियों की जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, वो हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश वाले इलाकों में गदही जनजाति आपकी पाई जाती है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा जनजाति, अहोम जनजाति और कई दूसरी जनजाति भी आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम थे और उनके यहाँ पर स्थान बताए गए थे, ठीक है। जैसे आपकी गद्दी जनजाति है, ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश से, और नागा जनजाति अहोम ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, मौजूदा अगर बिहार की मैं बात करूँ, झारखंड की बात करूँ, तो इस इलाके में भी कई जनजातियों का उदय हुआ था 12वीं सदी तक, ठीक है। चेर यहाँ पर है, सरदारियों या सरदार शाहियों का भी उदय हो चुका था, कहाँ पर में, बिहार और झारखंड में। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने, ठीक है, चेर लोगों पर हमला किया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर इसको आप एक बार अच्छे ढंग से क्या कर लो, सुन लो एक बार। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति का नाम राजा मान सिंह था, उन्होंने चेर लोगों पर हमला किया था। चेर लोग 12वीं सदी में कहाँ पर इनका उदय हुआ था, इनका उदय हुआ था बिहार और झारखंड में। उसी दौरान अकबर का सेनापति राजा मान सिंह हुआ, उसने चेर लोगों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया,
और उन्हें क्या कर दिया, परास्त कर दिया, उनको लूट लिया। ठीक है, जितना भी उनके पास माल था उनको क्या कर लिया, लूट लिया। लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। ठीक है, औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा कर लिया। कई उनके जो किले थे, किनके किले थे दोस्तों, चेर लोगों के, उन पर कब्जा कर लिया और जनजाति को अपना अधीनस्थ बना दिया, अपने अधीन बना दिया। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक घटना आपके सामने मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। तो घटना का क्रम क्या था दोस्तों, 12वीं सदी की अगर मैं बात करूं, बिहार झारखंड में एक नई जनजाति का उदय हुआ था। उस जनजाति का नाम था चेर। ठीक है, कुछ समय के बाद अकबर का एक सेनापति हुआ जिसका नाम था राजा मान सिंह। उसने चेर लोगों पर 1591 में हमला कर दिया और उनको क्या कर दिया, परास्त कर दिया, हरा दिया, और चेर लोगों को जो माल था उसको बहुत सारा उन्होंने लूट लिया। लेकिन वे पूरी तरीके से उनको परास्त नहीं कर पाए, यानी कि अपने अधीन नहीं बना पाए। उसके बाद शासन काल आया औरंगजेब का, जिसने इनके जितने भी किले थे उनको कब्जे में ले लिया और इसको अपने अधीनस्थ बना लिया। तो ये महत्वपूर्ण जनजाति है आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो झारखंड में मुंडा जनजाति और संथाल का भी बाद में उदय हुआ था, जो उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर आगे आ जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान है। जो आपका क्या है दोस्तों, कर्नाटक है, जो आपका कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, यहाँ पर मैं आपकी कोली जनजाति, बेराद जनजातियाँ भी निवास करती हैं। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते हैं, कुछ और दक्षिण के कोरागा, वेतर, मारवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। ठीक है, ये कर्नाटक की जनजातियों की यहाँ पर बात करी। अब भीलों की भी बात कर लेता हूँ। ये जनजाति आपकी गुजरात ये आपकी राजस्थान भारत में पाई जाती है और मध्य भारत में भी पाई जाती है। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें कई एक जगह बसे हुए खेतीहर, यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे भील जनजाति। ये मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इनका निवास स्थान था भील जनजाति का। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, खानाबदोश और घुमत्तू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश मैंने आपको बताया, खाने पीने के चक्कर में ये एक जगह से दूसरी जगह पर पानी की उपलब्धता के आधार पर अपने पशुओं के साथ ये जाया करते थे, जिसको खानाबदोश के नाम से जानते हैं, यानी कि घुमत्तू के नाम से जानते हैं। आखिर इन लोगों का जीवन क्या था, ये कैसे रहा करते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। यानी कि जानवरों से जो कुछ भी प्राप्त इनको होता था, दूध, मक्खन, घी वगैरह, तो इनको क्या करते थे, ये बेच देते थे, विनिमय कर देते थे, और उस कारण इनके पास धन आ जाता था, जिससे इनकी जीविका जो है वो चलती थी। बस यही है, यानी कि ये जानवरों पर क्या थे, ये आश्रित थे, यानी कि जानवरों पर ये लोग निर्भर थे। ओके, तो आगे बात करते हैं, जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी ये काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते वे सामानों की खरीद परोखत भी करते थे, यानी कि जानवरों का इस्तेमाल, माल इधर से उधर ले जाना भी ये किया करते थे। ठीक है, अब आ गई यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन, जहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा है। तो चलिए बात करते हैं वंजारा लोग, उन्हीं में से वंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। वंजारा कौन थे, महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी वंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि वंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। किसी भी सेना के विशाल के लिए उनको 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे। 1,00,000, ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन किस प्रकार है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किसकी बात करी, वंजारा लोग की बात करी, जो कि क्या थे, एक व्यापारी खाना बदोश थे। व्यापारी के चक्कर में वो भी अपने बैलों के साथ इधर उधर घूमा करते थे, ठीक है। उनका कारमा क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। और अलाउद्दीन खलजी जो था उसने अपने साम्राज्य नगर में जो क्या था अनाज था उसकी ढुलाई के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बंजारों के संदर्भ में ए बी कथन पर विचार करो और राइट उत्तर का जवाब दो। वंजारे लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, बिल्कुल मैंने आपको बताया व्यापारी खाना बदोश थे, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। अलाउद्दीन खलजी ने वंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था, बिल्कुल करवाया था, मैंने आपको बिल्कुल फिलहाल में ही बताया है। तो दोनों ही कथन आपके कैसे दिए गए हैं, राइट दिए गए, फोर विकल्प करेक्ट होगा, ए बी यहाँ पर कैसे हैं, दोनों ही आपके बिल्कुल राइट दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर आगे की चीज़ों की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी भी जनजातियां हुई जिन्होंने मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने के साथ साथ उन्हें बेचने का भी काम क्या कर दिया था, काम शुरू कर दिया था, ठीक है। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, पूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कई ऐसी जनजातियां थी जो गांव में भ्रमण करती थी, रस्सी बनाती थी, सरकंडे बनाती थी, ठीक है, फूस की चटाई बनाती थी, ये सब कुछ ये निर्माण करने लगी थी। तो चलिए यहाँ पर आगे की और मैं बात कर लेता हूँ महत्वपूर्ण चीज़ों की। और उसी के साथ कई जनजातियाँ ऐसी भी हुई जो कि विशेषज्ञता के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे जैसे समाज बदलता गया वैसी वैसी जनजातियों में भी बदलाव सामने देखने को मिले। वही जनजातियों में कुछ विशेषताएं भी पनप रही थी, जैसे सुनार बनने में लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपका उदाहरण एक दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण, ये बॉक्स जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, जितनी मैंने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट किया है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए समझा देता हूँ, ठीक है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकरों, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कोई नहीं जानता क्या एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेगा, कैसे बनाया वो चीज़ आप यहाँ पर समझ लो, बस आपका काम होने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विलेख है दोस्तों जिसमें रथकरों यानी कि रथ को बनाने वालों की सामाजिक स्थिति का विचार विमर्श किया गया है। उस अभिलेख का नाम है उय्याकोंडन उदयार। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकरों रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। हूबहू क्वेश्चन वहीं से उठाकर पूछा गया है। तो फोर विकल्प करेक्ट आंसर होगा, उय्याकोंडन उदयार, ठीक है, उय्याकोंडन उदयार फोर ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो बॉक्स आपके पुस्तक में बने रहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके रथकर थे यानी कि रथों का निर्माण करते थे, उय्याकोंडन उदयार 12वीं शताब्दी के अभिलेख में वर्णित है, ठीक है। वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण भी करते थे। गोंड जनजाति, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में वटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे।
अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। बहुत महत्वपूर्ण, जितना मैंने आपको बताया है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर क्या सामने निकल कर आई है, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे कौन सी कृषि करते थे? स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरीय कृषि क्या होता है? जगह बदलकर की जाने वाली खेती, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर किसी भी जनजाति को क्या करना है, स्थानांतरीय कृषि करना या झूमिंग कृषि करना है, उसके लिए उसको किसी भी प्रदेश में जाना पड़ेगा, ठीक है, जगह बदलनी पड़ेगी, वहाँ की जितनी भी वनस्पतियाँ होगी उनको क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, ठीक है, वनस्पतियों को जलाना पड़ेगा। जला करके जो राख बनेगी, राख किसका काम करेगी, उर्वरक का काम करेगी, टुकड़े का वहाँ के जो वनस्पति होगी उसको साफ करेंगे, फिर जलाएंगे, जली हुई राख होगी उर्वरक का काम करेगी, फिर बाद में वहाँ पर फसल उगाएंगे, फिर उसको 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं स्थानांतरीय कृषि। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। और अकबर के एक ग्रंथ है दोस्तों अकबरनामा, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था अकबरनामा के बारे में, ठीक है। अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने लिखा है, जो कि अकबर का दरबारी मित्र था, करीबी मित्र था, और क्या था, लेखक कह लो या कवि कह लो, ठीक है, वो था। अकबरनामा को लिखा था, जिसमें गढ़ कटंगा का उल्लेख आता है, 70,000 गाँव की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन मैं आपको एक साथ गोंड साम्राज्य के सभी करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ पर समझ लो एक बार अच्छे ढंग से। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था एकीकृत हो गई थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। राज्य किस में विभाजित थे? गढ़ों में विभाजित थे। गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे, ठीक है। तो यहां पर आगे की मैं बात करता हूं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। एक दोस्तों गोंड साम्राज्य का एक राजा कह लो आप, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अमन दास, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट करो, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की, किस गोंड साम्राज्य या राजा ने धारण की थी, उसका नाम है अमन दास, ठीक है। उसका एक पुत्र हुआ दलपत। दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। इसकी स्टोरी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत समझ लो, ठीक है। तो रानी दुर्गावती से विवाह कर लिया था दलपत, दलपत ने, ठीक है। तो दलपत की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कम ही उम्र में हो जाती है। बस्ती का उन्हें उसकी पत्नी रानी दुर्गावती बस्ती है, उसका एक पुत्र होता है 5 वर्ष का, जिसका नाम होता है वीर नारायण, ठीक है। वीर नारायण की भी दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, ठीक है। और उसका पुत्र भी क्या था, जो नारायण नाम था, वो भी तुरंत मार डाला गया था। गढ़ कटंगा एक दोस्तों समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायात में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, एक स्टोरी की तरह आप पुनः इसको समझ लो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गढ़ कटंगा राज्य की। गढ़ कटंगा दोस्तों एक मध्य भारत में ही मान लो जहाँ पर पड़ता है। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था, यहाँ पर हाथी बहुत मात्रा में पाए जाते थे। हाथी पकड़ने और दूसरे राज्य में निर्यात करने के लिए ये आपका फेमस था, यहाँ से खास धन कमाया गया हाथी पकड़ने और उनका बेचने में, ठीक है। जब मुगलों ने गोंडों को हरा दिया
तो उन्होंने यहाँ पर बेशकीमती चीज़ों को लूट लिया, हाथी जितने थे उनको अपने हाथों में हथिया लिया, ठीक है, और राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। ये थी गढ़कटंगा राज्य की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन मैं आपको एक साथ यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसको करा दिया, गोंड को यहाँ पर मैंने करा दिया। अब गोंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को एक बार सभी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा एक बार। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता, जिसमें 70,000 गांव थे, ग्राम थे? तो अकबरनामा मैंने आपको बताया था, जिसको किसने लिखा था दोस्तों, अबुल फजल ने लिखा था। तीन पार्ट में डिवाइड किया था, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द। तीसरी जिल्द को आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गढ़कटंगा अकबरनामा, अकबरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे गढ़कटंगा से इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं है, ना ही दोस्तों आपके केरल में है, ना ही आपके बिहार में है, ठीक है, ना ही कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो पहला विकल्प करेक्ट होगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, वहां पर आपकी गोंड जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई। तो क्वेश्चन, गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य से संबंधित कौन सा यहाँ पर कथन आपको राइट बताना है, कौन सा सही है? यह राज्य केवल नगरों से बना था, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, यह साम्राज्य राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्य में निर्यात करके धन अर्जित किया। बिल्कुल दोस्तों किया, तीसरा ही वाला करेक्ट होगा। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा, ठीक है। तो ये भी आपके गढ़कटंगा से संबंधित है या गोंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से गढ़कटंगा के गोंड राज्य से पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो आपका राज्य था ये समृद्ध राज्य था, यहाँ से हाथियों को पकड़ा जाता था और उनको बेच दिया जाता था जिससे धन अर्जित होता था, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गढ़कटंगा से संबंधित क्वेश्चन था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, इसको क्या करना है, मिलान करना है। आदिवासी समुदाय है और उनका स्थान है, इनको मैं आगे आपको चैप्टर जब पढ़ेंगे यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बताया गद्दी जनजाति, ठीक है, गद्दी जनजाति आपकी रहती है, और लंबाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ठीक है, और बन गुर्जर जो जनजाति है आपकी, बकरवाल ये उत्तराखंड की है, बन गुर्जर आपकी कश्मीर की जनजाति है। मिलान मैंने आपको बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, हाथियों पकड़नों का काम और उनको निर्यात करके व्यापार में धन कमाया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था गढ़कटंगा का धीरे धीरे पतन होने लगा था, ठीक है। गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा लेकिन वे काफ़ी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं अहोम जनजाति, यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर क्या थे, बसे थे। उन्होंने भुइया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523, कोच हाचो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजातियों को भी अधीन अपने कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने लगे। ये थी अहोम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो
तो इसी बेसिक जानकारी के चक्कर में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, जो अहोम लोग थे ये मूलतः म्यांमार के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये दोस्तों? म्यांमार के निवासी थे और ये 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बस गए थे, ठीक है। इन्होंने भुइया जनजाति नहीं कहना चाहूँगा, इनको कहो आप भुइया लोग, भूस्वामी। भुइया को, भुइया का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? भूस्वामी, जो भूमि के मालिक थे, वो इनकी व्यवस्था थी। उनको इन्होंने क्या किया? दमन किया, ख़त्म कर दिया और नए राज्य की इन्होंने स्थापना करी, ठीक है। उसी के दौरान इन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में समाहित कर लिया, अधीन कर लिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 1530 के दशक में इन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 के करीब में इन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण कर लिया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अहोम लोगों के बारे में, ठीक है। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है उसको भी यहाँ पर आप लोग समझ लो। ये मानचित्र है आपके कहाँ का? पूरब भारत का। ये रहा म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो आपकी नदी घाटी है, यहीं पर ये लोग क्या करते हैं? निवास करते थे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आ जाते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, बहुत महत्वपूर्ण। 1662 में एक मुगल हुआ आपका जुमला नाम का व्यक्ति, उसने क्या कर दिया? अहोम राज्य पर हमला कर दिया, ठीक है। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, ना रह पाया, ठीक है। तो 1562 में हमला भी किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जहाँ से कई कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार, बेगार का मतलब क्या था? किसी को काम करवा लेना और काम के बदले में उसको किसी भी प्रकार का धन ना देना ही क्या होता है? बेगार होता है। यानी कि अहोम राज्य किस पर निर्भर था? बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों को जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया है? मध्यकालीन भारत में अहोम राज्य में पाइक क्या थे? पाइक थे दोस्तों जबरन मजदूर, जिनसे जबरदस्ती काम किया जाता था, उन्हीं को क्या बोलते थे? पाइक बोलते थे। बेगार पर निर्भर था, महत्वपूर्ण चीज समझ ली पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया है, उस चीज़ को भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। अहोम लोग ये क्या करते थे? चावल की नई नई खेती किया करते थे, ठीक है, ये चावल ज़्यादा करते थे, दूसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? अहोम जो समाज था ये कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप नोटबुक में लिख लो। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, ठीक है, खेल कहा जाता है। एक साथ मैं अहोम जनजाति के सभी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, एक साथ करा दूंगा, इसलिए मैं बीच बीच में आपको नहीं करा रहा हूँ, एक साथ कराऊंगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह, ठीक है, काल में हिंदू धर्म का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा था, ठीक है। हिंदू मंदिरों का भी कुछ निर्माण यहाँ पर में किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण लाइन और यहाँ पर वाकई दी गई अहोम राज्य से संबंधित। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, परिष्कृत एकदम बेकार समाज था, दूषित समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। नाट्य कर्म आप लोग जानते हो, उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। बहुत महत्वपूर्ण लाइनें यहाँ पर मैंने हाईलाइट करी हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन अहोम जनजाति से पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर करा देता हूँ।
अहोम जनजाति से संबंधित क्वेश्चन एक बार आप यहाँ पर देख लो। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के बारे में कथन, वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर बात कही गई है। ये बात लागू होती है गढ़ कटंगा के साम्राज्य पे, ठीक है। उनके अपने जनजातीय देवता थे, बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। उनका अन्य जनजातियों लोगों जैसे कोच हाचों के साथ गठबंधन था, क्या था दोस्तों, गठबंधन था, बिल्कुल करेक्ट बात है। कोच हाचो जैसे उनके जो क्या थे, गठबंधन थे, उन्होंने अहोम लोगों ने इनको क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था, ये भी करेक्ट है। वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था, गलत यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर जो भूमि व्यवस्था थी, भुया लोग थे यानी कि भूस्वामी थे, उनका दमन कर दिया गया था। यहाँ पर बी और सी करेक्ट होंगे, बी और सी यहाँ पर आपके क्या होंगे, करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अहोम साम्राज्य से, अहोम साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अहोम साम्राज्य दो वंशों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहते थे। नहीं, पाइक किसे कहते थे, पाइक तो जबरन मजदूर को कहते थे, जबरन कौन था दोस्तों, मजदूर था, उसको पाइक बोला जाता था। तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था, बहुत परिष्कृत था, बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। अहोम राज्य का निर्माण भुइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर किया गया था या दमन करके किया गया था, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर कहा गया है। अहोम राज्य मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था, जबरन मजदूरों पर निर्भर था, जिनको पाइक बोलते थे, ये भी यहाँ पर क्या दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ये भी आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये मेरे शायद यहाँ पर आपसे असत्य पूछा गया होगा, क्या पूछा गया होगा, असत्य यहाँ पर आप कर लो, क्या कर लो, असत्य आप यहाँ पर क्वेश्चन में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत होगा, बाकी तीनों यहाँ पर करेक्ट होंगे, करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पहला गलत होगा, असत्य यहाँ पर आप कर लो, ठीक है, तब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, असम में पाइक क्या थे, ये थे बंधुआ मजदूर। मैंने आपको क्या बताया, जबरन मजदूर कह लो या बंधुआ मजदूर कह लो, जिन्हें पाइक बोला जाता था, क्या बोला जाता था, पाइक बोला जाता था। एक बार आप लोग पुनः इन क्वेश्चन को देख लो, जिनके उत्तर मैं यहाँ पर फटाक से देने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बंजारों के बारे में था, बंजारे लोग बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। अलाउद्दीन खलजी के दौरान बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुँचाने यानी कि ढुलवाने का काम किया गया था, ये भी करेक्ट है। दोनों आपके कैसे हैं, दोनों यहाँ पर आपके राइट उत्तर दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकरों यानी कि रथ निर्माताओं की स्थिति का वर्णन या विचार किया गया है, उय्याकोंडन उदयार में, ठीक है, उय्याकोंडन उदयार में किया गया है, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गाँव आपके आते हैं, अकबरनामा ग्रंथ में, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी जो अकबर का करीबी मित्र और दरबारी लेखक था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली है, ये आपकी फैली है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप देख पाओ, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल नहीं हो गया था बल्कि जटिल हो गया था, कैसा हो गया था, जटिल यानी कि कठिन हो गया था। पहला तो गलत है, दूसरा आपका यहाँ पर राइट है, कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आपका सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी आप देख लो, अहोम जनजाति के बारे में, ये गाँव पर नियंत्रण नहीं रखता था, ये गढ़ कटंगा राज्य की बात कही गई, उनके अपने जनजातीय देवता थे, बिल्कुल करेक्ट बात यहाँ पर आपकी कही गई है। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच ढाचों के साथ गठबंधन था या उन्होंने अपने अधीन कर लिया था अहोम जनजाति ने, ये भी करेक्ट है। बी और सी यहाँ पर आपके सत्य हैं और बाकी यहाँ पर सभी असत्य हैं, गलत हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्या है,
अहोम साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपसे गलत वाला पूछा गया, ठीक है, गलत, असत्य आपको बताना है। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अहोम राज्य का निर्माण भुइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर या दमन करके किया गया था। अहोम राज्य मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था, ये भी करेक्ट है। ये आपका यहाँ पर कैसा है, ये आपका गलत है, गलत वाला आपको बताना, इसलिए पहला करेक्ट होगा। यहाँ पर असत्य कर लो, आप क्या कर लो, असत्य कर लो। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा, परिष्कृत समाज एक पॉइंट है, भूइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन या दबाकर किया, मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था, ये तीनों चीज़ें आपको एक बार पुनः मैं दिखाऊंगा जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके, ठीक है। असम में पाए क्या थे, ये आपके बंधुआ मजदूर थे, जबरन मजदूर थे। गढ़कटंगा के राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपका होगा जंगली हाथी को पकड़कर उनका दूसरे राज्य में निर्यात करके धन कमाया जाता था, ठीक है। मिलान करने वाला मैंने आपको बता ही दिया था, क्या बताया था, गद्दी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में, बकरवाल कहाँ पर पाई जाती है, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश में, और बकरवाल उत्तराखंड में, वन गुज्जर आपके कहाँ पर, कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी की अहोम जनजाति को पुनः यहाँ पर देखने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट आप देखो फटाक से, उन्होंने भुइया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की, पहला स्टेटमेंट वहाँ पर दिया गया था जो कि इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, कोच हाचो को अपने राज्य में मिला लिया था, यानी कि गठबंधन कर लिया था एक प्रकार से, इस प्रकार भी कह सकते हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, 62 में उन्होंने मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य को क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और अहोम राज्य जो है दोस्तों किस पर ये निर्भर था, ये बेगार पर निर्भर था, मजबूर पर निर्भर था, मजदूरी पर निर्भर था, लोगों को जबरन काम किया जाता था, जिनको पाइक बोला जाता था। पाइक वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, ये लोग चावल ज़्यादा खाते थे, इनके कुलों को खेल में बांटा गया, यानी कि समाज कुलों में विभाजित था, कुलों को क्या बोलते थे, खेल बोलते थे। और इनके अपने क्या थे, जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, बहुत परिष्कृत समाज था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नए हो तो चैनल को अभी फटाक से सब्सक्राइब कर लो।